नमस्कार। नेपाल का विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री ओली जो विदेशी डिप्लोमेट्स नेपाल में हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि नेपाल में विदेशी जितने भी डिप्लोमेट्स थे वो अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री ओली के ऑफिस में, राष्ट्रपति के ऑफिस में या किसी भी मंत्री के ऑफिस में घुस जाते थे। आपने देखा होगा कि होई यान की जो चाइनीज एम्बेसडर है वो अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री ओली के ऑफिस में घुस जाती थी, कभी राष्ट्रपति के ऑफिस में घुस जाती थी। और हद तो तब हो गई कि जब होई यान की ओली जी के ऑफिस में घुसे और ओली जी को उनके सम्मान में खड़ा होना पड़े। तो अब नेपाल अपने ये सारे रूल चेंज करने वाला है। अब कोई भी विदेशी जो डिप्लोमेट्स है वो नेपाल के किसी भी मंत्रियों से डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, ना नेपाल के प्रधानमंत्री से, ना मुख्यमंत्रियों से, किसी भी मंत्री से। जो विदेशी एम्बेसडर लोग हैं, चाहे वो भारत का हो या चाइना का हो या किसी भी यूरोपियन देश का हो, वो अब डायरेक्ट किसी भी नेपाल के मंत्रियों से नहीं मिल पाएगा। उसे एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी उसे आदेश लेना होगा नेपाल विदेश मंत्रालय से कि हम आपके इस मंत्री से मिलना चाहते हैं। नेपाल सरकार डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट को बदलने वाली है और उसने हर राज्य में अपने आदमी भेज दिए हैं ये देखने के लिए, या डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जो है उसको फिक्स करने के लिए, उसका सख्ती से पालन करने के लिए, ताकि कोई भी विदेशी एम्बेसडर हो या डिप्लोमेट्स हो वो नेपाल के किसी भी मंत्री से ना मिल पाए। और ये नेपाल सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि दोस्तों हमने 2 महीने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ मिनिस्टर ये बहुत बड़े पद होते हैं और विदेशी एम्बेसडर यानी राजदूत, दूत दोस्तों आप समझते होंगे, आपने पहले देखा होगा पुराने जमानों में राजा के सामने दूत कभी बैठता भी नहीं था, यानी दूत की कोई हैसियत नहीं होती थी राजा के सामने। लेकिन होई यान की हो या कोई अन्य देशों के जो एम्बेसडर हैं नेपाल में, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के ऑफिस में घुस जाना, प्रधानमंत्री ओली के ऑफिस में घुस जाना, ये नेपाल का एक बहुत ही बड़ा अपमान था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए चीन का राजदूत को लगभग 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तो भी प्रधानमंत्री मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और राष्ट्रपति की तो बात बहुत दूर है भारत में, कि चीन का राजदूत इतनी आसानी से भारतीय राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है, उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी कई महीने पहले, तो उसको कई महीने बाद इजाजत मिलेगी। चीन के एम्बेसडर भारत के चीफ मिनिस्टरों से भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, यानी एक दूत हैं, और दूत कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है कि देश के मुखिया जो बड़े नेता हैं उनसे डायरेक्ट मिले। ये तो आपको पता ही होगा कि होई यान की जो है वो डायरेक्ट नेपाल के किसी भी नेता से मिल जाती थी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती थी। अब इस पर नेपाल सरकार सख्त हो गई है। दोस्तों हमने 2 महीने पहले कहा था कि देखो होई यान की कैसे घुस जाती है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के ऑफिस में, किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है, ये हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था इससे नेपाल का अपमान होता है कि छोटे छोटे राजदूत जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है वो प्रधानमंत्री के ऑफिसों में घुस जाना, राष्ट्रपति के ऑफिस में घुस जाना, ये नेपाल का एक बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि भारत में कोई भी विदेशी जो एम्बेसडर लोग हैं वो इतनी आसानी से भारत के बड़े नेताओं से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन नेपाल में आसानी से अपनी मर्जी से जब चाहे तब होई यान की नेपाल के बड़े नेताओं से मिल सकती थी, लेकिन अब इस पर प्रधानमंत्री ओली टाइट हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी लग गया है कि इससे हमारे देश का अपमान हो रहा है, इसलिए अब वो डिप्लोमेट्स कोड ऑफ कंडक्ट को ही बदलने वाले हैं और हो सकता है इसी महीने में ये चेंज हो जाए। यानी अब कोई भी भारतीय एम्बेसडर हो या किसी भी देश का हो वो डायरेक्ट
नेपाल के बड़े नेताओं से नहीं मिल पाएगा और ये नेपाल के हित में भी है। इससे नेपाल में अस्थिरता नहीं आएगी क्योंकि विदेशी डिप्लोमेट्स जो है वो अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग मंत्रियों को भड़काते हैं। जब विदेशी डिप्लोमेट्स किसी से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो नेताओं को भड़काना संभव नहीं है। सरकारें गिराना, सरकारें उठाना इतना आसान नहीं होगा नेपाल में। ये नेपाल में बहुत साल से चल रहा है, विदेशी डिप्लोमेट्स कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार को गिरा देते हैं, किसी को उठा देते हैं। इस पर नेपाल सरकार ने जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद।